हैप्पी होली एवरीवन। तो आज का ब्लॉग करते हैं भयंकर, बोलो जय शिव शंकर। और आज है 8 मार्च और आज है होलिका दहन। और हमारी प्रहलाद नगरी से ही होली निकली हुई थी। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है रंगों का पर्व, ये बहुत धूम धड़क्के से। हमारी सिस्टर हैं जिन्होंने कलर लगाया है। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की होली अपने नाम और आज हैप्पी होली अपने लौंडों के साथ। ये देखो उत्तराखंड के जंगलों से आया है ये भालू, उत्तराखंड के जंगलों से भालू आया हुआ इस साल। हैप्पी होली, हैप्पी होली। काफी नजारा एकदम मस्त है, सब लोग रंगों में डूबे हुए हैं। मजा आ रहा है भाई। हैप्पी होली, जय जय श्री राम, हैप्पी होली। हो रही है, हो रही है, हो रही। हैप्पी दिवाली, हो रही है। आओ जरे अर्नब, अर्नब गोस्वामी, हो रही है, हो रही है, होली। और कैसा लग रहा है आपको होली खेल के, आपको रंग लगवा के कैसा लग रहा है? हमारी प्रहलाद नगरी से ही निकला हुआ होली का त्यौहार। होली का त्यौहार दरअसल हमारे हरदोई से ही शुरू हुआ है। लेकिन गले मिलो, आयुष्मान सदा स्वागत रहो। तो हाँ, दरअसल कहना ये था, हरदोई का त्यौहार, हमारा होली का त्यौहार है, हरदोई से ही शुरू हुआ है। बट कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने इसको अनदेखा कर दिया है। हमें फिर से इस बारे में प्रयास करना चाहिए कि हम फिर से होली को जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी उसको उस लेवल पे ले जाके सेलिब्रेट करना शुरू करें। सही बोला, हम कोशिश करेंगे और अगले साल प्रयास करेंगे कि जहाँ पे प्रहलाद जी का जन्म हुआ था और जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, पहली बार इतिहास में भगवान ने जहाँ पर उनका अंतिम अंकांत करा था, वहाँ से वो जगह हरदोई है और हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। जरूर भैया, सही बोला आपने। जो अपना ट्रेडिशनल फेस्टिवल है उसको जरूर बरकरार बनाएंगे, क्योंकि रिचुअल से हमारी पहचान है, उनको जरूर आगे बढ़ाएंगे। और ये अपने श्याम मोहन है जिन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। हो रही है, चलो।